हेलो फ्रेंड, नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? और मेरा पूजा पाठ हो चुकी है। और चलिए, आज के ब्लॉग में मेरे आप लोग को स्वागत है। और यहाँ पूजा हम कर चुके हैं, जय माता जी। और चलिए, नाश्ता करने चल रहे हैं। मेरे ब्लॉग में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए लो, और पूरा वीडियो आप लोग देखिए। और ये देख सकते हैं, हम नाश्ता करने बैठ गए हैं। ये दूध रोटी बासी रोटी है, इसलिए हम बासी रोटी खाते हैं। जो बासी रोटी खाने से होती है क्या, जो गैस नहीं बनती है। और दूध हो और बासी रोटी, दूध बासी रोटी खाना चाहिए, उससे गैस नहीं बनती है। और इसीलिए हम दूध और बासी रोटी खा लेते हैं। बचता है तो, नहीं बचा तो कोई बातें नहीं है, और बच जाता है तो हम बिकते नहीं हैं, क्योंकि वो खाना ज़रूरी भी है। और आटा कितना महंगा है आप लोग को पता होगा, तो अन्न बिगड़ना नहीं चाहते हैं। और मेरे हस्बैंड है, वो तो और नहीं बिगड़ना चाहते, इसलिए थोड़ा सा चावल भी देख लेते हैं बिकते हुए, तो गुस्सा आ जाएगा। और आप लोग भी खाइए, तब तक हम खा रहे हैं। और गोभी आलू का सब्जी है, मटर छीमी डाला, थोड़ा सा चावल लिए हैं। ये बिना चावल के नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा सा चावल ले लिए हैं। और चलिए, तब तक ब्लॉक में बने रहिए। और ये देखिए, यहाँ कालीन बिछा दिए हैं नीचे में, क्योंकि चप्पल खोल दीजिए चाहे जूता पहने रहिए, खोलिए तो बहुत ठंडा लगती है, तो इसमें भी बिछा दिए हैं। और जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ भी बिछाना है। चलते हैं, ट्रंक खोल के निकाल लें। और ये निकाल लिए, और इस रूम में इसको बिछा देते हैं। इसी में का हम दो ठो खरीदते हैं, एक ठो उस रूम में बिछाए हैं और एक ठो इसमें बिछाते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। और मेरा ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो रहता नहीं है, तो बड़ा वाला नहीं लिए, और इसीलिए दो ठो छोटा छोटा ले लिए, जे मानते जैसा स्पेस रहेगा वैसा बिछाएंगे। और ये देखिए, इसको बिछा दिए, और हमको खाना भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा, पैर में ठंडा नहीं लगेगा। चप्पल खोल के बना सकते हैं, क्योंकि चप्पल पहन के हम खाना नहीं बनाते हैं, बहुत मजबूरी में है आदमी तभी चप्पल पहन के, ना तो मेरा एनी टाइम चप्पल खुला ही रहता है। तो इसको बिछा दिए, तो अब खोल के भी खाना बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पैर में सुबह सुबह बहुत ठंडा लगती है, शाम में तो उतना नहीं बुझाती है। ये सुबह में उठिए और नीचे पैर रखे तो बहुत ठंडा लगती है। तो ये हो गया, और चलिए, बाल खुल गई है मेरा, और चलते हैं। अब क्या हमको करना है आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो कपड़ा आप लोग को सूट के दिखाए थे और वो सिलवा लिए हैं, इतना लंबा है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं कितना लंबा सिलाया है। ये बताइएगा लोग कि इतना लंबा अच्छा लगेगा कि नहीं, पूरा पैर तक ले है। और ऐसे लॉन्ग सूट अच्छी ही लगती है, हमको लग रहा है जो अच्छा लगेगी, बाकी आप लोग ऐनक में हमको देख सकते हैं कितना लंबा है, इतना पर आएगा ही। और दोनों के एक ही बराबर सिलवा लिए हैं, दोनों लंबा है, आप लोग देख सकते हैं ऐनक में। ये देखिए, और चलिए, और इसका, और देखने में ये कैसा लग रहा है ये बताइए गलो। ठंडा भरी तो पहनना है, तो और इसके सलवार में हमको लबड़ लगाना है। सलवार का डिजाइन देखिए दिख रहा है, इसमें फीता लगा चुके हैं, एक ठो में लबड़ लगाने जा रहे हैं, इसमें लबड़ लगाना है। देखिए, इसको ऐसे सिलवाए हैं। और चलिए दिखाते हैं, अपने से लगाएंगे, सिलाई मशीन है मेरे पास, अपने से ही लगेगा। सुई भले गिट्टी ले लेते हैं और लबड़ लेते हैं,
दर्जी के ही बोले थे लबर लगाने के, बाकी रू लबर नहीं लगाई है, तो हम अपने से खुद से लगा लेते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद सुइया तो गिर गई। और इसका सीन खोल लेंगे, खोलने के बाद ही लबड़ लगाएंगे, अपने से ही लबड़ लगा लेते हैं। दर्जी सबको बचत करना इतना आता है जी, क्या बताया, कैसे हम बताइए, तो थोड़ा सा उसमें खराब कर ही देता है सब। और वैसे ही भी की है मेरे साथ, समीज बोले जे थोड़ा मैंने उतना लंबा भी नहीं कीजिएगा, एक बार लंबा भी कर दी है तो चलिए भाई, समीज लंबा है तो चल जाएगा, क्योंकि ठंडे पर पहनता है आदमी, ऐसे भी लॉन्ग समीज। और ये देखिए कैसे इसको निकाल रहे हैं, मुंह में सुई रखे हैं, और इसको खोलने का तरीका हमारा देखिए, चुप चुप खोल जाए। ये कॉटन कपड़ा रहता तो फटने के डर रहता है, ये सब कपड़ा फटता नहीं है जल्दी। का नाम है जो ऊनी कपड़ा आदमी कीन के फंस जाता है तो फंस जाता है, है? यहाँ जबरदस्त है तो थोड़ा सुइया लगाना पड़ेगा। बिना सुई के काम यहाँ तो नहीं चलने वाला है, दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ से कहाँ धागा उमारी हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से निकाल दिए, अजब तरीके से सी है। यहाँ अच्छी मोहरी है, मोहरी छोड़ी हुई है, क्या बोला जाता है इसको, लब फीता लगाने के लिए। हम सोच रहे हैं का है इधर से खुलल है। और ये देखिए इसमें अब लबड़ लगाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे लबड़ लग रही है और हमसे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कोशिश तो हम करेंगे ही, तो और अच्छी रहेगी। देखिए यहाँ लग रही है, लगा के आप लोग को दिखा रहे हैं। ये उधर माटी उठाने के लिए लोग आया है, शादी का माटी आपको तो दिख रहा है, जा रहा है। देखिए माटी उठा के सबको जा रही है, दिख रहा है मट्टी उठा लिया लोग, जा रहा है लोग, बगले में शादी है। और ये देखिए फ्रेंड हम अपना सूट पहन लिए, और सूट कैसी लग रही है वो बताइएगा लोग कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, और चल रही दुकान, बाय।